हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम बहुत इजी वे में समझने वाले हैं टीसीएस प्रोसेस ऑफर आफ्टर ऑफर एंड देखो मेरी आदत है कि मैं चीजों को बहुत सिंपल रखता हूं तो जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता नहीं हूं मैं इजीली समझाऊंगा बिल्कुल ठीक है तो सबसे पहले स्टेटस चेक की बात करते हैं तो देखो जिन लोगों को यहाँ पर ऑफर लेटर्स रिसीव हो गए हैं सो फर्स्ट इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर ये यह जो आप देख सकते हो ये जो ऑफर लेटर जनरेशन की डेट है उसके बाद यू विल सी हियर ऑफर एक्सेप्टेड और नॉट एंड उसके बाद यहां पर आई एल पी एलिजिबल ठीक है तो ये यहां से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो इस वाले कॉलम से राइट ट्रैक माई एप्लीकेशन नाउ यहाँ पर आपको एक आई एल पी दिखता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आज वीडियो बना दी है आई एल पी क्या होती है मेरी लास्ट वीडियो चेक करके आना वरना आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो मैंने टीसीएस की आई एल पी टीसीएस की ट्रेनिंग के ऊपर पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो उसको जरूर चेक कर लेना एक बार ठीक है So, अब आगे बढ़ते हैं और मेन चीज पर हम आ, आते हैं तो सबसे पहले देखो अभी जो आपको रिसीव हुए हैं वो है ऑफर लेटर राइट आप में से अभी काफी सारे लोगों के डाउट्स भी हैं कि हमें ऑफर लेटर नहीं रिसीव हुआ हमें केवल अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिसीव हुआ है सो so, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपको रिसीव हो गया है मोस्ट प्रोबेबली आपको

ज्वाइनिंग लेटर में अब ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब मिलेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सो ऑफर लेटर होता है जिसमें आपको जो ऑफर किया जा रहा है फ्रॉम कंपनी वो बताया जाता है कि आपको क्या पोजिशन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल ब्रेक डाउन करके बताया था कि इसकी सर्विस लाइन जो होती है उसको जरूर चेक कर लेना सर्विस लाइन इसमें आपको बताई जाती है आपको सी बताया जाता है कि आपको कितना पे पैकेज ऑफर किया जा रहा है टर्म्स कंडीशन कंपनी की बताई जाती है बस इतना ही सब कुछ होता है ऑफर लेटर में और ये आपके पास एक प्रूफ रहता है कि या उस कंपनी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है या आपका उस कंपनी में आपको मतलब बेसिकली सिलेक्ट कर लिया गया है ठीक है इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपके आते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर ये दोनों की टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है हो सकता है आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पहले आ जाए ज्वाइनिंग लेटर बाद में आए या लेटर आ जाए और वेर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बिल्कुल आसपास ही रहते हैं हो सकता है साथ साथ में आ जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ठीक है so, सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं सो यू विल गेट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डिटेल्स सो यहाँ पर आपको टीसीएस एक मेल करती है जिसमें आपको पोर्टल पर जाके टीसीएस में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं ठीक है सो so, ये अपन का स्टेप रहता है अब अभी तक जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो ना वो आपके अभी इनिशियल वेरिफिकेशन चल रहे हैं बट जो लास्ट वेरिफिकेशन होता है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं और ये क्यों ऐसा लास्ट वेरिफिकेशन है और क्यों इसमें ये जो मेल है वो बाद में रिसीव होता है उसका मैं रीजन बताता हूँ अभी काफी सारे बच्चे हैं जिनके अभी सेमेस्टर चल रहे हैं ट्वेंटी में वो लोग अभी पास आउट नहीं हुए हैं और अगर पास आउट हो भी गए हैं तो उनके यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं

तो दैट इज फाइन उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है बट जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आता है तब आपको फाइनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे ठीक है सो ये होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जिसमें आपकी जनरली आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है जिसमें आपकी सारी एड्रेस डिटेल्स मांगी जाती हैं साथ साथ में आपसे सारे फाइनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं इसके स्टेप इस है सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा पोर्टल में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे उसके बाद आपको एक साइन फॉर्म अपलोड करना पड़ता है मतलब आपको टीसीएस की तरफ से एक फॉर्म भेजा जाएगा उस फॉर्म पर आपको डिजिटल साइन करने पड़ते हैं और डिजिटल साइन करके यू नीड टू अपलोड दैट फॉर्म ओके एंड आपको अपलोड करनी पड़ेगी अपनी डिटेल्स और आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सो लास्ट ईयर तो यही प्रोसीजर फॉलो हो रहा था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जिसे मैंने आपको सारे स्टेप्स इसमें आई थिंक क्लियर कर दिए होंगे ठीक है देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ज्वाइनिंग लेटर है सो ज्वाइनिंग लेटर में वॉट विल गेट ज्वाइनिंग डेट यू विल गेट ऑफिस लोकेशन यू विल गेट रिपोर्टिंग टाइम यू विल गेट रिपोर्टिंग लोकेशन यू विल गेट लैपटॉप पिकिंग एंड एम एफ एडिटर्स

सो so, ये भी आप मेल रिसीव कर सकते हो एक कि आपको लोकेशन प्रेफरेंस का यहाँ पर एक मेल रिसीव होगा एक गूगल फॉर्म रिसीव होता है बेसिक सा जिसमें ये पूछा जाता है कि आपकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है एंड उसके बाद आपको ज्वाइन लेटर असाइन होता है जिसमें आपको डेट लोकेशन रिपोर्टिंग टाइम रिपोर्टिंग लोकेशन लैपटॉप पिकिंग एंड एमएफ एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये बेसिकली कंपनीज सेटअप करवाती हैं तो इसकी भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज ये कंपनी आपको बताएगी पूरा एम एफ ए क्या होता है, है ना अब बात करते हैं आई एल पी एंड एक्सप्लोर की तो देखो अभी जैसा मैंने आपको बताया आई एल पी के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ एक्सप्लोर के ऊपर भी तो आप जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आप वहां से गो थ्रू एक बार कर सकते हो सो एक्सप्लोर इज टी सी एस लर्निंग प्लेटफॉर्म यू विल गेट लर्निंग मटेरियल सो हो सकता है ये जो एक्सप्लोर का एक्सेस है ये आपको अभी मिल जाए हो सकता है इसी मंथ आपको मिल जाए ठीक है जुलाई के मंथ में ही मिल जाए और इसका एक्सेस आपको काफी जल्दी मिल जाता है

अभी आपको एन एस आर पर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आपको इसके लिए टोटल गाइड किया जाएगा फ्रॉम टीसीएस के आप टीसीएस के डॉक्यूमेंट्स लगाकर कैसे एन एस आर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और बाद में आपकी पिन जनरेशन होता है इसमें सो वो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है बट उसके लिए आपको प्रॉपरली टीसीएस गाइड करेगी तो उसमें अभी आप इसमें दिमाग मत लगाना इवन मैंने कुछ बच्चों का कमेंट पढ़ा था कि भैया एन एस आर के बारे में बताओ सो एन एस आर अभी आपका मैटर नहीं है एन पिन जनरेशन ये सब बात की चीज़ें हैं और ये बहुत इजीली हो जाएगा बाद में हो जाएगा जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तब हो जाएगा अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है देन आप बात करते हैं ऑनबोर्डिंग की फाइनली इन सारे स्टेप्स के बाद यू विल गेट योर ऑनबोर्डिंग एंड ऑनबोर्डिंग में यू विल रिसीव योर टी सी एस आई डी टी सी एस लैपटॉप एंड बैच ये तीन आपको आइटम मिलते हैं एंड ऑनबोर्डिंग के साथ यू विल स्टार्ट विथ योर आई एल पी आई एल पी इज इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम जिसमें आपको आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाती हैं इन स्ट्रीम ट्रेनिंग्स में यू विल गेट लाइव क्लासेस इन लाइव क्लासेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड uh, आपको सेवन डेज टू लेके थ्री मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या डोमेन असाइन में सेवन डेज टू लेगा थ्री मंथ्स तक का टोटल पीरियड हो सकता है उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है एंड उसके बाद यूनिट टू क्लियर द पी आर एग्जाम पी आर एज प्रोजेक्ट रेडिनेस असेसमेंट जब आप इसको क्लियर कर लेते हो क्लियर करने के बाद यू विल गेट प्रोजेक्ट्स और जब तक यू विल नॉट क्लियर दिस एग्जाम आपको यहाँ पर रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा बार बार ओके सो आई होप स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी होंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो